आज हम बात करने वाले हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में सिखाने वाली किताब 21 डेज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में, जिसे यान तुवास्की ने लिखा है। इस बुक में राइटर ये डिस्कवर करते हैं कि कैसे सही तरह से किया गया कम्युनिकेशन कई रहस्यों को खोल सकता है और लाइफ में पावरफुल चेंजेस को ला सकता है। जैसे जैसे हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं, हम इससे कई लोग जाने अनजान में बातचीत के खराब तरीकों को अपना लेते हैं। हो सकता है शायद आप भी उनमें से एक हों, लेकिन क्या ये तरीके आपको खुश, सक्सेसफुल, इंडिपेंडेंट और इफेक्टिव होने में हेल्प करते हैं, जिसके आप वाकई में हकदार हैं? अगर ऐसा नहीं है तो 21 डेज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन में आप न सिर्फ ये जानेंगे कि आपके बातचीत करने के तरीके से आपकी सक्सेस पर कैसे असर पड़ता है, बल्कि ये भी जानेंगे कि बातचीत की खराब आदतों को खत्म करना, अच्छी आदतों को अपनाना और लोगों के साथ अच्छे रिलेशन बनाना कितना आसान है। इस बुक में आप सीखेंगे कि कैसे आप अपनी पर्सनल लाइफ और आपके पार्टनर के साथ रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं और एक बेहतर पब्लिक स्पीकर कैसे बनिए, जिससे कि आप उन लोगों को इंस्पायर और मोटिवेट कर सके जिनकी आप परवाह करते हैं। इसके साथ साथ आप अपनी सक्सेस में तेजी लाकर किस तरह अच्छी बातचीत के तरीकों को अपनाकर बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इस तरह इस बुक में हम बातचीत के 21 बेहतरीन तरीकों के बारे में बात करेंगे, जिन्हें आप लगातार 21 दिन तक अपनी लाइफ में अपनाकर अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बना सकते हैं। और बात करते हैं 21 डिफरेंट हैबिट्स की, जिसमें सबसे पहली हैबिट है लिसनिंग, यानी कि दूसरों को सुने। अगर बातचीत की शुरुआत में या बीच में आपको लगता है कि सामने वाला काम की बातें नहीं कर रहा है, तो बीच में रोकने की बजाय उनकी पूरी बात सुने और समझने की कोशिश करें, क्योंकि हो सकता है कि पूरी बात सुनकर आप उनके नजरिए को ज्यादा और बेहतर तरीके से समझ सकें। एक अच्छा लिसनर बनने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, जैसे कि सबसे पहले बोलने वाले इंसान को लगातार बोलने के लिए एनकरेज करने के लिए वर्बल और नॉन वर्बल सिग्नल का यूज करें। वर्बल में एनकरेज करने वाले वर्ड्स आते हैं, जैसा कि अच्छा, अरे वाह, फिर क्या हुआ, और नॉन वर्बल में आप अपना सिर हिलाकर और अपने बॉडी की मूवमेंट के थ्रू उन्हें बोलते रहने के लिए एनकरेज करते हैं। इसके बाद सामने वाले इंसान को तब तक बोलने का मौका दें जब तक आपको ना लगे कि आप कोई जरूरी बात कहना चाहते हैं या उनके काम की बात पूरी हो चुकी है। तीसरा, सामने वाले इंसान की बात को सुनते समय किसी साइकोलॉजिस्ट की तरह बिहेव ना करें, जैसे कि आप उनकी बातों को सुनकर समझकर कोई रिसर्च करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि एक दोस्त की तरह उनकी बातों के साथ एंगेज होने की कोशिश करें। चौथा, अगर आपको महसूस होता है कि सामने वाले इंसान को बेहतर एडवाइस की जरूरत है और आपके पास उनसे बेहतर एडवाइस है, तो उनकी मदद करने के लिए आप पोलाइटली उन्हें सजेशन दें। पांचवी टिप ये है कि सामने वाले की बात को रिफ्रेस करें, जिससे उन्हें लगे कि आप उनकी बात को ध्यान से सुन रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर कोई आपसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ वहाँ चले, तो आप रिप्लाई में कह सकते हैं कि अच्छा, तो आप ये चाहते हैं कि मैं आपके साथ वहाँ चलूँ, और उसके बाद आप अपनी बात शुरू करें। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखें कि सामने वाले की बात को कॉपी ना करें, बल्कि बात को उतना ही रिपीट करें, जिससे कि उन्हें ये एहसास हो कि आप उनकी बात को ध्यान से सुन रहे हैं। और आखिर में, इस आदत को अभी से अपनी जिंदगी में अपनाने के लिए अपने किसी भी करीबी दोस्त और परिवार के सदस्यों के साथ इस तरीके को अपनाना शुरू कर दें। इफेक्टिव कम्युनिकेशन की दूसरी हैबिट है कि काउंट करेंगे कितनी बार आपने लोगों को इंटरप्ट किया है। इससे ना सिर्फ आपको इस बात की क्लैरिटी मिलेगी कि जाने अनजाने में आपने किस इंसान को कितनी बार इंटरप्ट किया है, बल्कि इस आदत को सुधारने का भी एक अच्छा मौका मिलेगा। यहाँ पर कुछ तरीके हैं जिनके जरिए आप इंटरप्ट करने की इस आदत को खत्म कर सकते हैं। सबसे पहले, इंटरप्ट करने की आदत को कम करने के लिए गोल बनाएं और उस गोल को अचीव करने पर अपने आप को रिवॉर्ड दें। दूसरा, इस आदत को कम या फिर खत्म करने के लिए नोट्स बनाना भी बहुत फायदेमंद है, जैसे कि आप अपने वर्किंग स्पेस के कंप्यूटर स्क्रीन पर या अपने मोबाइल के वॉलपेपर पर इसे लिख सकते हैं, जिससे कि पूरे दिन जब भी आपकी नजर इस पर पड़े तो इस आदत को खत्म करने का ख्याल तुरंत आपके मन में आए। और जहां आप ऐसे नोट्स नहीं ले जा सकते हैं, जैसे कि अपने क्लाइंट या बॉस से मीटिंग के दौरान, तो उस समय अपनी इंपॉर्टेंट फाइल या चेकलिस्ट में इसको लिख लें, जिससे कि आपको याद रहे कि आपको अपने इंटरप्शन की आदत को खत्म करना है। अक्सर आपने अपनी जिंदगी में ये नोटिस किया होगा कि ज्यादा बोलने वाले इंसान के मुकाबले इम्पोर्टेंट बात बोलने वाले शांत इंसान ज्यादा इफेक्टिव होते हैं और लोग उनकी बातों को भी सुनना पसंद करते हैं। इसलिए आप भी सिर्फ इम्पोर्टेंट बात ही बोलें और फालतू की बातों से जितना दूरी बना सकें उतनी बनाएं। साथ ही, जब भी आप किसी को अनजाने में इंटरप्ट करते हैं और तुरंत आपको इस बात का ख्याल आए, तो उसी वक्त अपनी जुबान को दांतों से थोड़ा सा काट लें, जिससे आपको सेल्फ पनिशमेंट का एहसास हो, जिससे अगली बार इंटरप्ट ना करने के थॉट्स पहले से आपके दिमाग में रहें। तीसरी हैबिट है कि एक इंक्लूसिव कम्युनिकेटर बने। आसान शब्दों में कहें तो इंक्लूसिव कम्युनिकेटर वो होता है जो सबके साथ घुल मिल जाता है, यानी कि सिर्फ अपने ओपिनियन या ग्रुप में किसी इंडिविजुअल इंसान के ओपिनियन के बेस पर कोई डिसीजन लेने की बजाय वो ग्रुप में मौजूद सभी लोगों के ओपिनियन लेकर एक बेहतर डिसीजन लेने में विश्वास रखता है। इसलिए आज की यूनिटी एंड डाइवर्सिटी वाली सोसाइटी में ऐसे लोगों की डिमांड बहुत बढ़ती जा रही है। इंक्लूसिव कन्वर्सेशन करने के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स की जरूरत है, जैसे किसी एक इंसान या एक ग्रुप को प्रायोरिटी देने की बजाय मिलजुल कर डिसीजन लेने की कोशिश करें। दूसरा,
बिना जाने किसी इंसान के बारे में या उनके जेंडर के बारे में अज्यूम ना करें। जैसे कि अगर आप पहली बार अपने बॉस से मिल रहे हैं और उनके जेंडर के बारे में नहीं जानते हैं तो उन्हें ही और शी कहने की बजाय दे वर्ड का यूज करें। और तीसरा, किसी इंसान की डिसेबिलिटी को बाहर उजागर करने की बजाय उसकी काबिलियत और पॉजिटिविटी पर ध्यान दें। चौथी हैबिट है, अपनी वोकैबुलरी को बढ़ाएं यानी कि उसे इम्प्रूव करें, क्योंकि पर्सनल और प्रोफेशनल बातचीत के दौरान अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करने से ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि जब आप अच्छी वोकैबुलरी के जरिए मुश्किल शब्दों के साथ ज्यादा फैमिलियर होने लगते हैं तो आपकी रीडिंग और बोलने की स्पीड भी बढ़ने लगती है, क्योंकि तब आपको किसी भी शब्द को बोलने के लिए रुकने की जरूरत नहीं पड़ती। अपनी वोकैबुलरी को बढ़ाने के लिए यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं, जैसे कि सबसे पहले हर दिन कोई भी एक नया शब्द सीखें और उसे दिन में कम से कम 11 बार इस्तेमाल करें। दूसरा, नए शब्दों को सीखने के लिए उन्हें अपनी डेली लाइफ में यूज करने के लिए एक एक्साइटेड इंसान बने, जो हर समय मौका मिलते ही नए शब्द सीखने के लिए और उसे अपनी बातचीत में यूज करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। तीसरा, हर रोज कम से कम बुक का एक पेज पढ़ें। इसे पढ़ने से ना सिर्फ आपकी वोकैबुलरी बेहतर होगी बल्कि इसके साथ साथ आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी, जो जिंदगी के अलग अलग स्टेजेस को बेहतर बनाने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। और चौथा, कभी भी पूछने में शर्म ना करें। अगर किसी से बातचीत के दौरान आपको महसूस होता है कि कोई वर्ड आपको समझ नहीं आया है तो बेझिझक उनसे पूछ लें, ताकि आपको एक नई चीज सीखने का मौका मिले। पांचवी हैबिट है कि बट की जगह एंड का और नेगेटिव बातों में येट का यूज करें। आमतौर पर हम सबकी जिंदगी में कभी ना कभी ऐसी बातें होती हैं जिसमें हमें ना चाहते हुए भी अनचाही सिचुएशन और नेगेटिविटी का सामना करना ही पड़ता है। ऐसी सिचुएशन में आप अपनी बातचीत के कुछ वर्ड्स को बदलकर अपनी बातों और माहौल को पॉजिटिव बना सकते हैं, जैसे कि बट की जगह एंड का यूज करें। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई कहता है कि आई लव टू प्ले बट आई एम अफ्रेड ऑफ फीलिंग एंड गेटिंग हर्ट, तो हालांकि ऐसा कहने से आप बात तो एकदम सच कह रहे हैं लेकिन इसमें नेगेटिविटी झलक रही है। इसलिए इसी बात को कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि आई लव टू प्ले एंड आई एम अफ्रेड ऑफ फॉलिंग। ऐसा कहने से आपका ध्यान प्रॉब्लम की जगह सॉल्यूशन पर ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह नेगेटिव बातों में येट का यूज करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कहता है आई डोंट हैव द मनी नीडेड टू बाय अ नाइस हाउस, इससे आपका पेसिमिस्टिक एटीट्यूड झलकता है जो अक्सर लोगों को पसंद नहीं आता। लेकिन अगर इसी बात को ऑप्टिमिस्टिक वे में इस तरह से बोला जाए कि ऑल्दो आई डोंट हैव द नेसेसरी मनी टू बाय अ गुड हाउस, तो ऐसा कहने से दूसरों के सामने आपका ऐसा एटीट्यूड दिखता है जिसमें अभी तो आपके पास प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जरूरी रिसोर्स ना हो, लेकिन आपका ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड दिखाता है कि आने वाले समय में आप उसे ठीक कर लेंगे, और ऐसे इंसान को लोग ज्यादा पसंद करते हैं। सिक्स्थ हैबिट है कि अपने प्रोनाउंस को सुधारें। प्रोनाउंस का मतलब है कि बातचीत के दौरान आप, मैं, हम, वो, आप इन जैसों में से कौन से शब्दों का ज्यादा यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अपने परिवार, दोस्तों में, ऑफिस कलीग्स या बॉस के साथ मीटिंग के दौरान आप अपनी बात को कहने के लिए किन प्रोनाउंस का ज्यादा यूज करते हैं। अगर आप अपनी बात को सिर्फ मैं तक सीमित रखते हैं यानी कि अपनी बातों में सामने वाले को इन्वॉल्व नहीं करते हैं या हम शब्द का इस्तेमाल कम करते हैं, तो ज्यादातर चांसेस हैं कि वो इंसान आपकी बातों को सुनने में इंटरेस्ट नहीं रखेगा। लेकिन अगर आप मैं शब्द के साथ साथ हम शब्द का भी यूज करते हैं तो सामने वाले को आपकी बात में एक इन्वॉल्वमेंट फील होगा और वो आपके साथ कनेक्शन महसूस करेंगे, जिससे आपकी बातों को ध्यान से सुना जाएगा। इसलिए कोशिश करें कि अपनी बातों में मैं से ज्यादा हम शब्द का यूज करें। सेवंथ हैबिट है कि दूसरों को हेल्प ऑफर करें। इंसान होने के नाते ये हमारी ड्यूटी है कि हम दूसरे इंसानों की हेल्प करें, और अगर हेल्प सही तरीके से बात करते हुए की जाए तो हेल्प करने वाले को भी अच्छा लगता है और हेल्प लेने वाले को भी, क्योंकि वहाँ एक बराबरी का एहसास होता है, ना कि किसी एहसान का। तो इस पार्ट में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि किसी दूसरे इंसान को किस तरह से हेल्प ऑफर की जाए। तो उसके लिए आपको अपनी बातचीत के दौरान कुछ तरीकों को अपनाना चाहिए। सबसे पहले, अगर आप किसी अनजान इंसान की हेल्प कर रहे हैं तो उन्हें सबसे पहले इस बात के बारे में क्लियर करें कि आप उनकी हेल्प क्यों करना चाहते हैं। यहाँ पर अपने पॉजिटिव और अच्छे मकसद के साथ उनकी हेल्प करने के बारे में बताने से ज्यादा संभावना है कि वो आपसे हेल्प लेने के लिए तैयार हो जाएं, वरना वो शायद आपसे हेल्प ना लें और जज करने लग जाएं। दूसरा, किसी भी इंसान की मदद करने से पहले उनसे कुछ इस तरह से पूछें कि क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं? या फिर क्या ये काम करके मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकता हूं? ऐसा करने से वो ना सिर्फ बिना जजमेंट के आपकी हेल्प लेने के लिए तैयार हो जाएंगे बल्कि उनकी नजरों में आपकी रेपुटेशन भी बढ़ जाएगी। तीसरा, जैसे आप चाहते हैं कि कोई दूसरा इंसान आपकी परेशानियों को ठीक करके खराब सिचुएशन को बेहतर बनाने में हेल्प करे, ना कि आपको बदलने में, क्योंकि कोई भी इंसान अपने नेचर को सच में बदलना नहीं चाहता। हर इंसान को अपने आप से प्यार होता है। उसी तरह आप भी इस बात का ध्यान रखें कि दूसरों की हेल्प करने के लिए उनके करेक्टर को बदलने की बजाय उनकी सिचुएशन को बदलने के लिए हेल्प करें। अगला, किसी भी इंसान को इमोशनल हेल्प तभी ऑफर करें जब आप इस बात के लिए श्योर हो जाएं कि वो आप पर भरोसा करते हैं और जज नहीं करते।
और अगर आपका कोई फैमिली मेंबर, दोस्त या रिश्तेदार फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है तो उनकी फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए जितना ज्यादा हो सके फ्लेक्सिबल तरीके को अपनाएं, क्योंकि कई लोग ज्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट वाले होते हैं और अगर उन्हें सीधे तौर पर फाइनेंशियल हेल्प ऑफर की जाए तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से शायद वो मना कर दें। इसलिए हेल्प करने के फ्लेक्सिबल तरीकों को अपनाना चाहिए, जैसे कि किसी गिफ्ट के जरिए, कोई कॉन्टेस्ट खिलवाकर, कोई चैलेंज पास करवा के। थैंक यू कहने की आदत बनाएं। आप कम कामयाब हैं या ज्यादा कामयाब, लेकिन हमेशा आपकी छोटी या बड़ी हेल्प करने वाले हर इंसान को थैंक यू कहने की आदत डालें, जिससे दूसरों की नजरों में आपकी इमेज पॉजिटिव बनी रहे। इसके लिए आप इन तरीकों को अपना सकते हैं। आपकी हेल्प करने वाले इंसान को काम पूरा करने के बाद ही थैंक यू कहें। इसके अलावा कभी भी किसी कॉम्प्लीमेंट को रिजेक्ट ना करें, बल्कि जब भी कोई इंसान आपकी किसी भी तरह से कोई सच्ची तारीफ करे तो बदले में उन्हें थैंक यू कहने में कंजूसी ना करें। इसके अलावा अंदर से खुश रहने के लिए और पावरफुल बनने के लिए हर रात सोने से पहले एक पेपर पेन पर उन सभी लोगों को और यूनिवर्स की सभी चीजों को थैंक यू कहें जिन्होंने आपको एक खुश और अच्छी लाइफ जीने में हेल्प की है। इस तरीके को आज ही अपनी लाइफ में अपनाने के लिए ऑफिस में अपने कलीग्स को, घर पर अपनी फैमिली के लोगों को थैंक यू कहें और आज ही सोने से पहले एक पेपर पर अपनी फैमिली, कलीग्स और भगवान को थैंक यू कहें। 9th हैबिट है कि दूसरों को पॉइंट आउट करना बंद करें। अगर आप चाहते हैं कि दूसरा इंसान आपको पसंद करे और आपके साथ जुड़े तो उनको पॉइंट आउट करने की बजाय मिलजुल कर रहने की कोशिश करें। हो सकता है कि किसी बात पर आप दोनों के थॉट्स अलग अलग हों, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उसी टॉपिक में कुछ बातों पर आप दोनों एक जैसा सोचते होंगे और एक जैसा मानते होंगे, तो अलग अलग थॉट्स की वजह से उन्हें पॉइंट आउट करने की बजाय कॉमन बातों पर ध्यान दें और उस बारे में बात करने की कोशिश करें, क्योंकि दूसरे इंसान को पॉइंट आउट करके भले ही आप उन्हें गलत प्रूव कर देंगे और खुद जीत जाएंगे, लेकिन इससे चांसेस हैं कि सामने वाला इंसान आपको पसंद ना करे और आपके साथ जुड़ना ना चाहे। अगली हैबिट है कि उन सवालों को पूछें जिनके जवाब मिले। किसी भी इंसान या चीज के बारे में जानने के लिए सवाल पूछना सबसे अच्छा तरीका है। इसलिए बातचीत के दौरान जब भी आपको महसूस हो कि आपको जानना चाहते हैं तो इस तरह के सवाल पूछें, जिससे आपको अच्छा जवाब मिलने के चांसेस हों। इसलिए यहाँ कुछ सवाल पूछने के तरीके बताए गए हैं जिनसे जवाब मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ज्यादा प्रेशर वाले सवालों को समझदारी से पूछें। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने बॉस से अपनी सैलरी और पोजीशन को बढ़ाने के बारे में पूछना चाहते हैं तो उनसे इस तरह से पूछें कि क्या ये सही टाइम है कंपनी में अपनी पोजीशन के थ्रू ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन देने के बारे में आपसे बात करने का। और अगर आप किसी सवाल का कम शब्दों में ही जवाब चाहते हैं तो क्लोज एंडेड सवाल पूछें जिनके जवाब हाँ या ना में हो, जैसे क्या आप कल वहाँ गए थे। वहीं दूसरी तरफ अगर आप किसी चीज के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो ओपन एंडेड सवाल पूछें, जैसे कैसे और क्यों। फॉर एग्जांपल, कल आप कहाँ गए थे। इसके बाद अगली हैबिट है कि अपनी आवाज और बात करने के तरीकों को रिफाइन करें। अपनी बात को इस तरह से कहें कि आपकी बात सुनने में ज्यादा एक्साइटेड और इजी लगे और सामने वाला उसे एक्साइटमेंट में और इजीली समझ सके। आइए जानते हैं कि आप इस तरह से कैसे बात कर सकते हैं। सबसे पहले तो अपनी आवाज को ना तो ज्यादा ऊंचा रखें, ना ही ज्यादा नीचे, मीडियम लेवल पर अपनी आवाज को रखते हुए बात करें। अगर आप स्ट्रेस या हड़बड़ाहट में बात करते हैं तो इसे सुधारने के लिए शांति और कॉन्फिडेंस के साथ बात करने की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। जहां भी पॉसिबल हो अपनी बात को आसान और छोटे वर्ड्स और सेंटेंस में कहने की कोशिश करें। एक बार में अपनी पूरी बात को कहने की बजाय जरूरत के मुताबिक थोड़ा पॉज देते हुए रुक रुक कर अपनी बातों को कहें। इससे सामने वाले की नजरों में आपकी इमेज बढ़ती है और वो बात को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। अगली हैबिट जिसके बारे में बात की गई है वो है कि बिहेवियर पर ध्यान दें, करेक्टर पर नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी कंपनी के बॉस या लीडर हैं और अपने घर में जिम्मेदार इंसान हैं, तो दूसरों से काम करवाने के लिए उनके बिहेवियर को बदलने के लिए पोलाइटली इंस्पायर करें, बजाय उनकी गलतियों के बारे में पॉइंट आउट करके उन्हें नीचा दिखाकर गलती को ठीक करने के लिए कहने के। अगली हैबिट है कि अपनी बातचीत के बैकग्राउंड को जानें, यानी कि ये जानने की कोशिश करें कि आप जाने अनजाने में कम्युनिकेट करने के लिए किस इंसान से इंस्पायर होते हैं और किसके तरीकों को अपनाते हैं। उन्हें अनकवर करें और देखें कि क्या वो अपनी बातचीत के जरिए रिश्तों में, जिंदगी में उन चीजों को अचीव कर पा रहे हैं जो वो चाहते हैं। और अगर वो ऐसा कर पा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो तुरंत उस तरीके को छोड़ें और बातचीत करने के बेहतर तरीके को अपनाएं। अगला पॉइंट है कि ये समझें कि किस तरह अलग अलग जनरेशन इंटरैक्ट करती है। इन सब में सबसे पहली आती है बेबी बूमर जनरेशन, यानी कि वो लोग जो 1946 से 1964 के बीच पैदा हुए हैं। इस जनरेशन के लोग बिलीव करते हैं कि कंपटीशन बहुत है और कंपनी के साथ लॉयल रहने में उन्हें रिवॉर्ड मिलेंगे, इसलिए ये लोग टीम वर्क में ज्यादा बिलीव करते हैं और चाहते हैं कि मीटिंग के दौरान प्रोडक्टिव बातें ही की जाएं ताकि उनके टाइम का सही यूज हो सके। इसलिए अगर इस जनरेशन के लोगों के साथ आप इन सब बातों का ध्यान रखते हुए इंटरेक्ट करते हैं तो ये आपको पसंद भी करेंगे और आपके साथ जुड़ना भी चाहेंगे।
अगली आती है जनरेशन एक्स, यानी कि वो लोग जो 1965 से लेकर 1980 के बीच पैदा हुए हैं। इस जनरेशन के लोग किसी भी कंपनी के लिए 10 साल तक लॉयल रहने की बजाय अपने फायदे के लिए जॉब को बदलने को इम्पोर्टेंस देते हैं। इसलिए इस जनरेशन के ज्यादातर लोग अपना खुद का काम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इन्हें पर्सनल फ्रीडम ज्यादा पसंद होती है। इसलिए ये लोग एकदम शांति से बैठकर सिर्फ काम करने की बजाय काम को मस्ती के साथ करना ज्यादा पसंद करते हैं। इसके बाद आते हैं जनरेशन वाई, यानी कि वो लोग जो 1981 से लेकर 1997 के बीच पैदा हुए हैं। इस ग्रुप के लोग पर्सनल कम्युनिकेशन से ज्यादा डिजिटल कम्युनिकेशन को इम्पोर्टेंस देते हैं, और ये लोग फीडबैक लेना ज्यादा पसंद करते हैं और चाहते हैं कि दूसरे लोग इन्हें प्रोजेक्ट या काम के बारे में अपने ओपिनियन देने के लिए इनवाइट करें। इतना ही नहीं, इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये लोग चाहते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस हमेशा बना रहना चाहिए। आखिर में आते हैं जनरेशन जी, यानी कि 1998 से लेकर अभी तक पैदा होने वाले लोग। इस जनरेशन के लोग ग्लोबलाइजेशन को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और अपने करियर ऑप्शन के बारे में पिछली जनरेशन से ज्यादा अवेयर होते हैं। ये इंडिपेंडेंस, इनोवेशन और क्रिएटिविटी की वैल्यू करते हैं, और क्योंकि ये लोग इकोनॉमिक ग्रोथ के जमाने में पैदा हुए हैं, इसलिए इनमें दूसरे जनरेशन के मुकाबले ज्यादा पैसे कमाने की इच्छा बहुत ज्यादा होती है। इस तरह आप अलग अलग जनरेशन को समझकर उनके हिसाब से बात करके आप उन्हें आसानी से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। अगली हैबिट है कि ईमेल पर बात करने की आदत डालें। अपने सीनियर या बॉस को इफेक्टिव मेल लिखने की प्रैक्टिस करें और उसके लिए इन तरीकों को अपनी ईमेल में अपनाएं। अगर दूसरा इंसान आपका कोई सीनियर है तो उनके टोन को मिरर करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो अपनी ईमेल के लास्ट में योर्स या रिकार्ड्स लिखते हैं, तो आप भी उन्हें ईमेल लिखते वक्त अपनी ईमेल के लास्ट में योर्स या रिकार्ड्स लिखें। अपनी ईमेल को पॉइंट्स के साथ लिखें और उसमें अपना कॉन्टैक्ट नंबर जरूर ऐड करें, खासकर तब जब आप दूसरे इंसान से किसी सीरियस मैटर पर बात करना चाहते हैं, ताकि उस बारे में बात करने के लिए वो आप तक आसानी से पहुंच सके। अपनी ईमेल के सब्जेक्ट लाइन को कम से कम शब्दों में ऐसे लिखें कि वो पूरी ईमेल के मेन मैसेज को बताए, और अपनी ईमेल को लिखते समय ऐसा फील करें कि मानो दूसरा इंसान आपके साथ में बैठकर ईमेल को पढ़ रहा है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए ईमेल लिखने से आप सामने वाले इंसान की नजरिए को भी ध्यान में रखकर एक बैलेंस ईमेल लिख सकते हैं। अगली हैबिट कहती है कि आप अपने आप को नीचा दिखाना बंद करें। हमेशा दूसरे इंसान से बात करते समय अपने आप को उनके बराबर रखें, और अगर जरूरत हो तो उनसे ऊपर और किसी जेन्युइन रीजन के बिना अपने आप को नीचा ना दिखाएं। अक्सर कई लोग अपने आप को नीचा इसलिए दिखाते हैं क्योंकि कई लोग घमंडी बनकर जीना नहीं चाहते, और आमतौर पर हमारे माँ बाप दूसरों के साथ मिलजुल कर रहने के लिए कभी कभी खुद को झुकना भी सिखाते हैं, जो कि एक अच्छी सलाह है, लेकिन हर समय हर इंसान के सामने झुकना भी ठीक नहीं है। इसके अलावा झुकने का सबसे बड़ा रीजन है लोगों में कम सेल्फ कॉन्फिडेंस होना। और अब बात करें अपने आप को कम मानने के रिजल्ट की, तो जो इंसान ऐसे करने के आदी हो जाते हैं वो अपने आप को औरों के मुकाबले कम मानने लगते हैं, भले ही उनमें बहुत ज्यादा एबिलिटीज क्यों ना हो। इसके अलावा हो सकता है कि आप उन अच्छी अपॉर्चुनिटीज को भी मिस कर दें जिनके जरिए आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। इसके साथ दूसरे लोगों को भी ये लगता है कि आप उन्हें जज कर रहे हैं। अगला हम बात करेंगे कि कैसे दूसरों की एडवाइस ली जाए। दूसरों से एडवाइस लेने के लिए सही तरीके से बात करें, और उसके लिए सबसे पहले अपना ऑब्जेक्टिव उन्हें बताएं कि आप किस परेशानी को सॉल्व करने के लिए उनसे एडवाइस लेना चाहते हैं। इसके अलावा उन्हें ये भी बताएं कि क्यों उनकी एडवाइस आपके लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकती है, और अच्छी तरह से एडवाइस लेने के लिए उन्हें बताएं कि आप उनकी एडवाइस के जरिए क्या अचीव करना चाहते हैं। इसी के साथ एडवाइस मिलने के बाद उनको थैंक यू कहें। अब बात करते हैं कि कैसे ना समझ लोगों से दूर रहें। अगर आपको लगता है कि सामने वाला बिना काम की बात कर रहा है या उनकी बात रिलेवेंट नहीं है, तो कुछ तरीकों को अपनाकर आप ऐसे लोगों को बोलने से रोक सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वो आपको बोर कर रहे हैं, तो उन्हें कोई काम दें जिसे करने में वो बिजी हो जाएं। और अगर आपको लगता है कि वो बिना काम की जरूरत से ज्यादा बातें कर रहे हैं, तो उनसे उनकी पर्सनल डिटेल्स के बारे में पूछना शुरू कर दें। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर इंसान दूसरों के सामने अपनी हर पर्सनल बात को नहीं बताता, तो वो भी कुछ बातें बताने के बाद अपने आप चुप हो जाएंगे। इसके अलावा आप उनसे सीधे सीधे पूछ सकते हैं कि आप क्या बात करना चाहते हैं या ये बात आप क्यों कर रहे हैं। अगला है, दूसरों को मोटिवेट करें। सेल्स फील्ड में अक्सर ऐसा होता है कि जहां सेल्समैन अपने क्लाइंट को अपनी बातों से मोटिवेट करना चाहता है और चाहते हैं कि उनके क्लाइंट भी उनके प्रोडक्ट सर्विस को लेकर उतना ही ज्यादा मोटिवेट हों जितने कि सेल्समैन है, क्योंकि जब ऐसा होगा तो क्लाइंट उनके प्रोडक्ट या सर्विस को खरीद सकते हैं। और ऐसा जिंदगी के अलग अलग पहलुओं में भी होता है, जैसे अपने लाइफ पार्टनर को किसी बात के लिए मोटिवेट करने के लिए, अपनी फैमिली के लोगों को, और भी कई जगह। तो इस तरह दूसरों को किसी बात को मनाने के लिए, किसी काम को करने या किसी चीज को यूज करने के लिए मोटिवेट करने के लिए इन तरीकों का यूज करें। सबसे पहले तो उनकी सच्ची तारीफ करके और कुछ अलग बातें करते हुए सच्चाई के साथ उनका ध्यान अपनी ओर करें। फिर बातें करते हुए उनकी जरूरत को महसूस करें और उन्हें उनकी जरूरत दिखाएं। फिर बताएं कि किस तरह आप उनकी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। फिर इंश्योर करें कि अगर वो आपके साथ जुड़ते हैं तो किस तरह फ्यूचर में ज्यादा बेहतर रिजल्ट अचीव कर सकते हैं, और अपने अगले स्टेप का एक ओवरव्यू दें जिससे उन्हें क्लियर रास्ता दिखाई दे अपने बेहतर फ्यूचर के रिजल्ट्स का और आपके साथ जुड़ने के फायदों का।
अगली हैबिट है कि अपनी मीडिएशन स्किल को इम्प्रूव करें। मीडिएशन मतलब बातचीत में दोनों पार्टीज के बीच एक बिचौलिए यानी कि मीडिएटर की तरह बात करने के उन तरीकों से है जिससे दोनों के फायदे वाला डिसीजन आसानी से लिया जा सके और इसमें दोनों का फायदा हो। इसके अलावा मीडिएशन एक अच्छी स्किल एक बैलेंस कम्युनिकेशन को बनाए रखने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो मीडिएशन के लिए आप कुछ तरीकों को अपनी बातचीत के दौरान यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो इस बात को इंश्योर करें कि आप एक मीडिएटर बनने के लिए आप सुटेबल कैंडिडेट हैं जिसकी बात दोनों पार्टी सुनने के लिए तैयार हों। एक अच्छे मीडिएटर के रूप में बातचीत के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स बनाएं, जैसे कि एक पार्टी के बोलते समय दूसरा बीच में नहीं बोलेगा। इसके अलावा दोनों से उनके एजेंडा के बारे में पूछें कि वाकई में वो क्या चाहते हैं। दोनों पार्टीज की बातों को ध्यान से सुनें ताकि आप परेशानी की और उनके आपसी झगड़े की वजह को समझ सकें। फिर उनकी बातों को सुनकर डिसाइड करें कि किन बातों को रिजॉल्व किया जाना चाहिए और किन्हें इग्नोर कर देना चाहिए जो दोनों के लिए बेहतर है। फिर दोनों पार्टीज को एक एक करके लिए गए डिसीजन को मानने और अपनाने के लिए उनकी ब्रेनस्टॉर्मिंग करें ताकि वो लिए गए डिसीजन को माने और दोबारा किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट ना करें। फिर दोनों पार्टीज को मोटिवेट करें कि वो लिए गए डिसीजन को मानते हुए अपने गोल को अचीव करें। आखिरी हैबिट है कि अपनी डेली कन्वर्सेशन से क्लिच को हटाएं। बातचीत के दौरान ऐसी कमियां चाहे वो वर्ड्स में हो, टोन में हो या किसी और तरीके में जो आप अपनी बातचीत के दौरान नहीं करना चाहते हैं, उन्हें लिख लें और टाइम के साथ उन्हें इम्प्रूव करें। इसे अच्छी तरह से अपनी जिंदगी में अपनाने के लिए आप अपने वर्ड्स और अपने बात करने के तरीकों पर ध्यान दें और उसके अलावा दूसरों से भी बात करने के तरीकों पर ध्यान दें और इन तरीकों को वर्ड्स को आप अपनी बातचीत के लिए यूज करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने बातचीत करने के 21 अलग अलग बेहतरीन तरीकों के बारे में बात की जिन्हें आप अपनी बातचीत में अपना कर आज से ही अपनी बातचीत करने के तरीकों को इम्प्रूव कर सकते हैं, जिनसे ना सिर्फ आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा बल्कि दूसरे लोगों के बीच आपका इम्प्रेशन भी बनेगा और लोग आपको पसंद करेंगे, आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। इस तरह बेहतर बातचीत आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत फायदेमंद साबित होगी जिससे आपको सक्सेस मिलने में भी मदद मिलेगी। इसी के साथ ही पर्सनल लाइफ में अपने फैमिली मेंबर्स को बेहतर बनाने में भी आपकी मदद कर सकता है। हमें उम्मीद है कि आपने बातचीत करने के कई जरूरी और अच्छे तरीकों के बारे में सीखा होगा। अब आप इन्हें 21 दिनों तक अपनी जिंदगी में अपनाएं और अपने फ्यूचर रिजल्ट्स और लोगों के साथ अपने रिश्तों को बेहतर बनाएं। 21 दिनों तक हैबिट्स को कॉन्शियसली करने से ये आदतें परमानेंट हो जाएंगी। थैंक यू गाइज, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को इमीडिएटली लाइक और कमेंट भी कर दें। जल्दी मिलेंगे और भी बेहतर वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।